सतारा के माउली घाट पर हाल ही में कल्पना लाजमी की फिल्म चिंगारी का एक स्केड्यूल शूट किया गया। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी सुष्मिता सेन, अनुज साहनी और मिथुन चक्रवर्ती। Chingari is a spark when a young postman who's not a crusader, who's an ordinary average man comes and wakens the conscience of the people. And Chingari is that spark that a man of moral dharam of that stature can be either burned in the flame of his own power. He is actually the head priest of a temple. Not only a priest, he is the king of the village also, and he shows his power every time. But it is not the power, he misuses the power whenever he becomes selfish. Means whoever crosses his path, then actual Bhuvan Panda comes out. And side by side, there is another side, that's his hypocritic side. Though you talk so much about, but he is obsessed in love with the prostitute. It's a story about human courage. It's a story about present time actually, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमारी दुनिया शहरों में शुरू होकर शहरों में ख़त्म हो जाती है, मगर आज भी जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि गांव में क्या हो रहा है, किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या क्या अभी भी वहाँ पे स्टिग्माज हैं जो कि लोग मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फिल्म में मिथुन एक ऐसे साधु हैं जो एक वैश्या से प्यार करने लगते हैं। इस फिल्म में वैश्या का किरदार निभा रही हैं सुष्मिता सेन और पोस्टमैन का किरदार निभाने वाले अनुज साहनी उनके और मिथुन चक्रवर्ती के बीच आ जाते हैं। दिस फिल्म इज सेट बैक इन द 1970s, इट्स अ पीरियड फिल्म टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड ही इज अ बॉय हु इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी. And he comes into a setting, gets into a circumstance, due to which things start happening. So the chingari in the film is a postman or the catalyst. So that is where things start happening to him, for him, around him. And he sees a very different world to what he's actually used to, you know. And he's completely taken by surprise. There's no light in the village. There are no literate people in the village. He's the one who actually reads letters out to people, charges a rupee from them. So he slowly and steadily gets into the groove and gets emotionally attached to the prostitute. It is the story of Basanti. बसंती जो कि 14 साल की उम्र से उसे कभी उनके पिताजी ने बेच दिया था, और बगैर माँ के बगैर पिता के वो एक ऐसे माहौल में बड़ी हुई जहाँ पर उसको समझाया गया था कि कोई मारे पीटे कुछ भी कहे तुमसे तुम चुपचाप सह लेना क्योंकि ये हमारा रीतो रिवाज है. एंड देन द रिलीजियस सिस्टम जो कि यहाँ के महाराज मंदिरों में प्रैक्टिस किया जाता है कि जहाँ पर वैश्यों की शादी नहीं होती, उन्हें एनिमल्स से भी बदतर ट्रीट किया जाता है, और कैसे ये लड़की जो कि किसी में से एक थी, शी कम्स इनटू हर ओन बीइंग एंड शी राइजेज एज अ ह्यूमन बीइंग एंड शी सेज बस अब हमसे ही ना ही होगा। चिंगारी से पहले इस फिल्म का टाइटल पोस्टमैन एंड प्रोस्टिट्यूट रखा गया था। ये फिल्म का पहला स्केड्यूल था और फिल्म को अगस्त 2005 के करीब रिलीज किया जाएगा। वैसे कल्पना लाजमी की पिछली फिल्म क्यू ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया था। अब देखना ये है कि इस फिल्म से वो कितनी सफलता हासिल कर पाएंगी।